सपोर्ट की जरूरत है, इसके लिए हम स्ट्राइक पे बैठेंगे, चाहे इसके लिए हमें ट्रक पे क्यों ना बैठना पड़े। इट्स कॉल्ड ट्रैक्टर नॉट ट्रक। हम स्ट्राइक पे बैठेंगे हवाई अड्डा के लिए, आप लोग मेरे साथ रहिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज एक नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। एक्चुअली आज हम लोग ऑफिस का वर्क ख़त्म करके डायरेक्टली सुबह सुबह सोचे कि आज आपको भागलपुर के सुबह सुबह का सैर करवाते हैं, बहुत मज़ा आने वाला। और हमारे साथ कुछ हमारे कलीग्स आए हैं हमारे साथ। तो ए गाइस, हाय, ये है आप लोग मुबशीर, कौसर, कोरोना ख़त्म हो जा रहा है, और ये है वो बूढ़े से इंसान। इसका बाल हो गया ख़राब, आप लोग कुछ सजेशन दीजिए कमेंट में किसका बाल सही हो जाए। फिलहाल हम लोग आए हुए हैं घाट पे। कौन सा घाट है, नाम कुछ पता है? सीढ़ी घाट समथिंग ऐसा कुछ है। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे सुबह सुबह आए कि सनराइज़ थोड़ा सा मज़ा ले लेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। और हमारे ठीक पीछे ये मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत है। तो ये है यहाँ का कुछ नज़ारा, काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो कि काफ़ी शानदार और शांत। चिड़िया की आवाज़ आ रही है सुबह सुबह, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि सुबह सुबह ऐसी जगह से उठे जहाँ पे हमें चिड़ियों की आवाज़ मिले, हवाओं में वो पहले से स्मेल हो, बट पोल्यूशन के कारण हर चीज़ ख़राब हो चुका है अभी के टाइम में। तो ये हमारे पीछे एक मंदिर है, पता नहीं इसका नाम क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी पुराना है, बहुत ही हिस्टोरिकल है। इसका नाम नहीं पता है, मैं किसी से पूछने की कोशिश करूँगा। और ये हमारे ठीक पीछे खूबसूरत सा ब्रिज, जिसको हम लोग विक्रमशिला सेतु कहते हैं, ये भागलपुर को सिटी को कनेक्ट करता है नौगछिया साइड। तो काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। और अभी हम लोग वेट करेंगे कि सनराइज़ हो और आपको उसका मज़ा दिलाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से कहीं और भी चलने का प्लान है, तो आप लोगों को दिखाएंगे उसका। अभी फ़िलहाल पूछते हैं इस मंदिर के बारे में। अच्छा अच्छा, ये जो राजा थे उन्होंने बनवा के दिया, 1905 में बना, 105 बोले तो 1905 में बना, 1905 में, ओके 1905 में एक राजा द्वारा बनाया गया ये मंदिर है, जो कि किसका मंदिर है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही पुराना है, पुराना 1905, आप अंदाज़ा लगा लीजिए काफ़ी पुराना ये मंदिर है। ओके, तो ये इनका कहना है कि अष्ट पहलू, मतलब आठ पहल से देखिए, इनके चारों तरफ से मतलब एक व्यू अपना है, आठ पहल में है, बिल्कुल अष्ट धातु भी लगा हुआ था, बहुत भव्य मंदिर बनवाया गया था। राजा का नाम कुछ पता है? ठाकुर परिवार था, इतना तो नहीं बता सकेंगे कि हमारे यहाँ से ड्यूटी है, इसलिए हम गंगा घाट पर। आपके यहाँ पे क्या ड्यूटी रहता है? मजिस्ट्रेट की ड्यूटी रहती है, और यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए कुछ देखते देखते हैं लोग। हाँ, अब आज मेरा समाप्त हो रहा है। इसका और कोई घाट बनाने है कुछ और अच्छा डेवलपमेंट के लिए? कुछ काम होगा तो होगा ही, दिन प्रतिदिन होगा, जैसे जैसे जो है समय आते जा रहा है, यहाँ बनी टाइल्स लगेगा, फिर सौंदर्यीकरण और होगा, बस वही सौंदर्यीकरण का ही तो जरूरत है। क्योंकि जितना खूबसूरत यहाँ पर व्यू है, वो लोग और आ सकते हैं यहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए, अच्छी बात है। और सीढ़ी घाट फेमस है, श्री और आज का जो है गंगा माँ का जो है दृश्य जो देखते हैं बहुत भव्य दृश्य है। तो अभी मैं आप लोगों को सीढ़ी घाट बैठेगी जी हाँ, आई सेड इट अर्लियर आल्सो, तुमने बोला था, कंफ्यूजन था ना, क्लियर हो गया, सीढ़ी घाट है इसका नाम। और सच में जो ये जो मंदिर है काफ़ी खूबसूरत है, इसका एक एक वॉल पे एक अच्छा क्या बोलते हैं उसे, कारीगरी किया गया है। तो आप लोग कभी आएँ तो घूमने ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे दो टाइम ऐसा होता है, एक सनराइज़ और एक सनसेट, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। अभी लोग और भी आएंगे यहाँ पे गंगा स्नान करने,
जिसके लिए CDBD बना रखा है, उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें खूबसूरती उभर के आए। और हमारे साथ जो ये लौंडे, कुछ कहोगे? तुम्हारा इंस्टाग्राम पर क्या नाम है? नाम है शहबाज फैब्रू। शहबाज फैब्रू से कौन कर सकते हैं? इनका अकाउंट शहबाज फैब्रू इंस्टाग्राम पे है, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, आप लोग जाके चेकआउट करें। इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम, मतलब अभी बने नहीं है, कोशिश जारी है और मेरा आशीर्वाद है इनके साथ, ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे। और ये एक और हैं क्योंकि फ़िलहाल अभी ये फ़ोटोशूट कराने में बिजी हैं। सर हाँ हेलो, तुम्हारा बाल ऐसा क्यों है, शुतुरमुर्ग की तरह? आई डोंट नो, यू कैन से इट्स, ये एक रोड पर रास्ता में हवा हवा चलने वाला एक, अच्छा तो हम लोगों का भी बाल तो है, हवा चल रहा था तो हेड भी नहीं उड़ा। योर हेड इज क्वाइट गुड, बेटर देन नो ब्रो, बट यू लुक लाइक अ बेटर देन लाइक, तुम्हें नहला। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय इंस्टा हैंडल इज IMO। तो गाइस देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये सनसेट। और अभी मैं आपको बता दूं कि मुझे एक डॉल्फिन दिखी थी, आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ आसपास में एक डॉल्फिन थी ये वाले पिलर के पास। मैं फ़िलहाल आपको मैं बता दूं कि इस गंगा में डॉल्फिन भी है जो कभी कभी दिखती है, और शायद अभी फिर से उछली थी, अभी देखे तुम, अभी फिर से निकली थी डॉल्फिन। इस गंगा में डॉल्फिन भी है जो कभी कभी दिखती है, तो आज हम लोगों को दिख गया है। तो गाइस जैसा कि अभी आपने देखा, खूबसूरत सा सनराइज, काफ़ी देखने में काफ़ी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। कभी कभी दिखता है ऐसा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और इस बंदे को रह रहे मिर्गी चढ़ता है ब्लॉग का, क्योंकि ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है राइट। और हमारे पीछे अब सूर्य पूरी तरीके से उग चुका है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार, देखने लायक था ये व्यू, बहुत ही अमेजिंग था। यहाँ से चलते हैं, पहले कुछ चाय वाय पीते हैं क्योंकि भाई सुबह रात भर काम किया है, तो अभी जगे हुए हैं, आंखें बंद हो रही है, तो सोचा थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो चलो चाय पीते हैं। तो भाई हम लोग जैसे ही बाहर निकले तो हमारे वाहन पे किसी ने मल कर दिया है, किसी ने नहीं, पशु पक्षियों ने मल कर दिया है, हम हिंदी का प्रयोग करेंगे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। और वाहन तैयार है, हम लोगों को चाय की कोशिश करवाएंगे और उसका करेंगे मन की बात। तो चलो, आप लोग देख सकते हैं हमारे शहर भागलपुर में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हॉस्पिटल तैयार है, कुछ दिनों में इसका ओपनिंग हो जाएगा। जो भी बहुत सारी इलाज ऐसी है जो भागलपुर में पॉसिबल नहीं होती है, पर क्या वो पॉसिबल होगी? यस, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें एयरपोर्ट की जरूरत है। yes! इसके लिए हम इस टाइप पे बैठेंगे। yes! चाहे उसके लिए हमें ट्रक पे क्यों ना बैठना पड़े। इट्स कॉल्ड ट्रैक्टर, नॉट ट्रक। हम इस टाइप पे बैठेंगे हवाई अड्डा के लिए, आप लोग मेरे साथ रहिए। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं दोस्तों अमेजोन के जंगल में, ऐसा नहीं कि सीधे अमेजोन के जंगल बाहर ही है, ये सीक्रेट है कि हमारे भागलपुर में भी अमेजोन के जंगल है, हर तरफ जंगल ही जंगल दिखेगा और सूखा दिखेगा। ऐसे जस्ट क्रॉस करते हैं तो कैलिफोर्निया पहुँचे। बैड न्यूज ये है भाई कि हम लोग जहाँ चाय पीने जा रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया था सैंडविच कंपाउंड के बाहर, बट अनफॉर्चुनेटली आज वो नहीं आ पाया, तो हम लोग आज बाईपास जा रहे हैं अभी, मतलब वहाँ पर सुनील भैया के हम चाय पियेंगे, और अगर हो सुनी के वो उठे हो वरना हम उन्हें उठाएँगे और फिर चाय पियेंगे। तो चलो भाई सीधे एक अलग वीडियो बनाते हैं। तो हे गाइस, अभी मैं आ गया हूँ अपने सुनील भैया की दुकान पे, आपको उनसे मिलवाते हैं। यही यही यही, देखिए
तो कुछ कहना चाहेंगे क्या आज? क्या बजा रहे? बंद करिए ना, आवाज आ रहा है। बोलिए, ये चाय पिलाइएगा? चाय हाँ, आधा घंटा बाद। काहे काहे? ये क्या है, महुआ है क्या? ताली लगा के रखा है क्या? तो अपने लिए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। हाँ गाइस, तो आपको कैसा लगा गाइस? अमेज़न के जंगल से जैसे आप क्रॉस कर रहे थे, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओके, तो अभी हम लोग कुछ एक हमारे साथ एक अंग्रेज है, हमारे मुबशिर साहब, तो कुछ नहीं। बताएंगे आप? हम अंग्रेज नहीं है, ये तुम्हारा दोस्त क्यों आता है? ये हमारा दोस्त हमेशा आता है, जब भी यहाँ आता हूँ ये हमेशा आता है। अभी बिस्किट खाएगा, उसके पास चला जाएगा। ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर देखिए, आप लोगों ने मेरे कैमरामैन से नहीं मिला, हटो यार। तो हमारे कैमरामैन कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? जोर से बोलिए यार, अभी तो कुछ नहीं कहेगा। ये काफी शाय आदमी है, ये काफी शर्माते हैं, हमारी तरह नहीं है। अभी हम लोगों का चाय बन रहा है। सुनील भैया, चाय बन रहा है? अरे बनाइए, बहुत जबरदस्त है चाय। तो गाइस अभी हम लोग चाय बनने का इंतजार करते हैं, तब तक आप लोग भी चाय पीजिए, मजा लीजिए। तो गाइस ये चाय आ गया हमारा, अभी पी लेते हैं। अभी हम लोगों ने चाय पी लिया है, अब हम लोग यहाँ से घर की तरफ जा रहे हैं, सुनील भैया से मिल लेते हैं। तो सुनील भैया बोलो, चले फिर? अभी कहिए सबसे सही जाइएगा। तो कब जाएंगे? एक घंटा बाद। एक घंटा बाद? ये बहुत ही प्यारे सुनील भैया हमारे, कभी भी आप आइए, बहुत ही दिल, क्या बोलते, दिल से चाय बनाते हैं। आप लोग आइए, कभी ट्राई करिए, एकदम बिल्कुल टोल टैक्स को, इसके टोल टैक्स के जस्ट मतलब लास्ट वाला समझिए या पहला वाला समझिए दुकान है, तो आप लोग जरूर आए। अभी यहाँ से हम लोग घर चलते हैं सीधा। तो गाइस अभी चले हम लोग घर? हाँ गाइस अब चलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सैंडिस कंपाउंड भी एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबा होने के कारण ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तभी हम लोग यहाँ से घर चलते हैं, और आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक से करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना करो यार, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार। और भी ऐसे मस्ती वाली वीडियो मैं ला के दूँगा आप लोग तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।